नमस्कार, द इनसाइड स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश आनंद हूं। आज आपको हम दिखाएंगे 24 का इलेक्शन, 23 की टेंशन। अब इनसाइड स्टोरी जानते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी खेमे से आज एक बहुत बड़ी खबर आई। हम आपको बताएंगे कि क्यों बीजेपी को 2024 के इलेक्शन से पहले 2023 की चिंता सता रही है और कैसे बीजेपी ने 23 की रेस में विपक्ष से एक कदम की बढ़त बना ली है। बात इंडिया गठबंधन की भी होगी, जिसके लिए शुभ संकेत तो कतई नहीं। आखिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच चल क्या रहा है, दोनों के बीच तल्खी की असली वजह क्या है, यह इनसाइड स्टोरी आगे आपको जरूर देखनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले बात बीजेपी की, बीजेपी कैसे अपने राजनीतिक विरोधियों को चौंकाती है, यह आज फिर देखने को मिला। विपक्ष अभी एकता का राग अलाप रहा है, वहीं बीजेपी ने जमीन पर जबरदस्त चुनावी तैयारी शुरू कर दी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। आखिर बीजेपी 2023 के आखिरी रण को लेकर इतनी सतर्क क्यों है, आप देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। चुनाव राजस्थान में भी है। आयो रे मोदी, आयो रे। छत्तीसगढ़ में भी है। तेलंगाना और मिजोरम में भी। लेकिन बीजेपी का अभी सबसे ज्यादा जोर जिस राज्य पर दिख रहा है, वो राज्य है मध्य प्रदेश। यहाँ के चुनाव के लिए राजधानी भोपाल से 792 किलोमीटर दूर दिल्ली में बीजेपी की टॉप लीडरशिप मैराथन बैठकें कर रही है। बड़ी बड़ी रणनीतियां बन रही हैं, ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो पहले नहीं देखे गए। ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने चुनाव से लगभग 3 महीने पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। मध्य प्रदेश में 39 सीटों पर बीजेपी ने टिकट घोषित कर दिए। छत्तीसगढ़ में 21 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ दुर्ग के सांसद विजय बघेल को पाटन सीट से मैदान में उतारा है। जो आज पहली लिस्ट जारी की है, उनमें वो सीटें शामिल हैं जिनमें या तो बीजेपी अब तक जीत नहीं पाई है या फिर उनकी स्थिति बहुत कमजोर है। इसीलिए बीजेपी ने पहली बार ये दांव चला, वो भी तब जबकि अभी तो विधानसभा चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई। मध्य प्रदेश की बाकी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए भी बीजेपी एक नया प्रयोग कर रही है। इसके तहत बीजेपी ने एक एक सीट का सर्वे अपने दूसरे राज्यों के विधायकों से कराने का फैसला किया है। 4 राज्यों के 230 विधायक मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों पर सर्वे करेंगे। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार के विधायक 18 अगस्त को भोपाल पहुंचेंगे। 20 अगस्त से 27 अगस्त तक इस सर्वे से संभावित उम्मीदवारों का पैनल तैयार किया जाएगा। 19 तारीख को सर्वे में शामिल होने वाले विधायकों की ट्रेनिंग होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी भोपाल में होंगे। कि भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी मध्य प्रदेश के दौरे पर पधार रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी गरीब कल्याण महाअभियान के तहत प्रदेश सरकार की कार्यकाल की 20 साल की जो जन कल्याणकारी उपलब्धियां, गरीब कल्याण की योजनाओं के संबंध में रिपोर्ट कार्ड लॉन्च करने का काम भारत के लोकप्रिय गृह मंत्री, सशक्त नेता माननीय अमित शाह जी करेंगे। तो मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी की फुल तैयारी है। आखिर मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए इतना अहम क्यों है, आखिर बीजेपी मध्य प्रदेश में इतनी ताकत क्यों झोंक रही है? इसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है, मध्य प्रदेश बीजेपी की हिंदुत्व की पुरानी प्रयोगशाला रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी 2018 का चुनाव हार गई थी, बाद में सिंधिया की कांग्रेस से बगावत से बीजेपी सरकार वापस आई। मध्य प्रदेश में बीजेपी की कांग्रेस से सीधी टक्कर है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस शिवराज सरकार के खिलाफ आक्रामक कैंपेन छेड़े हुए है। इसकी झलक दिखती है MP यूथ कांग्रेस के इस पोस्टर में, जिसमें शिवराज सरकार पर कमीशन खोरी के गंभीर आरोप लगाए गए।
10% कमीशन, जो सही बात है सही बात है। पेटी कॉन्ट्रैक्टर कौन सामने आएगा बेचारा? आज किसी भी व्यक्ति से, पेटी कॉन्ट्रैक्टर से, जो छोटे ठेकेदार है, पूछ लो किस कदर से कमीशनबाजी चल रही। छोटे से छोटा अधिकारी, सब इंजीनियर से लेकर और मुख्यमंत्री तक, सबका कमीशन बंधा हुआ है। 2024 के महामुकाबले से पहले 2023 के आखिर में होने वाले इन विधानसभा चुनाव में मुकाबला कड़ा है, इसीलिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। मध्य प्रदेश में बीजेपी पिछले 18 साल से सरकार में है। सन 2018 के चुनाव में बीजेपी के हाथ से सत्ता चली गई थी, लेकिन 1.5 साल बाद ही बीजेपी सत्ता पर फिर से काबिज हो गई। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें केवल मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहां बीजेपी की सरकार है। इन चुनावों का असर 2024 पर भी पड़ सकता है, इसलिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब चुनाव के ऐलान के पहले ही बीजेपी उम्मीदवारों के चयन में इतने जोर शोर से जुट गई है। एमपी और छत्तीसगढ़ के अलावा जिस राज्य में बीजेपी की कांग्रेस से सीधी टक्कर है, वो राज्य है राजस्थान, जिसके लिए बीजेपी ने 2 चुनाव कमेटियों की घोषणा कर दी है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को चुनाव घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाया गया है। नारायण पंचारिया को चुनाव प्रबंध समिति का प्रमुख बनाया गया। लेकिन इन 2 महत्वपूर्ण समितियों में से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को जगह नहीं दिए जाने पर कई तरह की अटकलें लग रही हैं। सब अनुभवी कार्यकर्ताओं के अनुभव का, नेताओं के व्यापक अनुभव का पार्टी को लाभ मिले और हम सर्वसमावेशी सर्वहितकारी घोषणा पत्र ऐसा बना सके, इस तरह का निर्णय किया गया। एक दूसरा, 2 बड़े नेता गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे जी को दोनों ही समितियों में कोई बहुत जगह नहीं मिल पाई, तो उनकी क्या भूमिका रहने वाली है? नहीं, सबकी अलग अलग भूमिकाएं हैं, अलग अलग कमेटियों में कहीं न कहीं सबको रखा गया। वैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए कितने अहम राज्य हैं, इसे 2019 के लोकसभा चुनाव के एक डेटा से भी समझा जा सकता है। ये 3 राज्य उन 13 राज्यों में शामिल हैं जहां बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले थे। बीजेपी को राजस्थान में 59.07%, मध्य प्रदेश में 58.54% और छत्तीसगढ़ में 51.44% वोट मिले थे। इन 5 चुनावी राज्यों में 83 लोकसभा सीटें दाव पर हैं और इसीलिए चुनाव भले ही 24 का है, लेकिन तनाव 23 का है। अब इनसाइड स्टोरी की अगली खबर। 2024 के फाइनल से पहले 2023 का सेमीफाइनल जीतने के लिए बीजेपी पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। ऐसे वक्त में विपक्ष क्या कर रहा है, ये जानना दिलचस्प है। विपक्षी खेमे में बातों एकजुटता की हो रही है, लेकिन जमीन पर एकजुटता के क्या हाल हैं, इसकी झांकी दिल्ली में दिख रही है। 24 घंटे पहले तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच तलवारें खींची हुई थी, लेकिन उसके बाद जो युद्ध विराम हुआ, क्या वो स्थायी है या आगे कांग्रेस और आपकी लड़ाई की पिक्चर अभी बाकी है? हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। देखिए, इस तरीके की बातें तो आती रहेंगी। देखिए, बहुत छोटे छोटे नेता हैं जिनकी जमानतें एमएलए इलेक्शन तक में नहीं बची हैं। का लांबा इज अ स्पोक्सपर्सन, शी इज नॉट अ ऑथराइज्ड स्पोक्सपर्सन फॉर टॉकिंग ऑन सच मेजर इंपॉर्टेंट इश्यूज। सीट शेयरिंग का क्या फार्मूला होगा अगली बैठक में, एक ये महत्वपूर्ण बिंदु है। अखिल भारतीय विपक्षी गठबंधन की बात अभी 2 कदम ही आगे बढ़ी है कि हस्तिनापुर में संग्राम शुरू हो गया है। एक तरफ दिल्ली कांग्रेस के नेता तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के दिग्गज। भले ही इन बड़े नेताओं के दखल के बाद विवाद शांत हो गया, लेकिन इन बयानों के शोलों की तपिश विपक्षी खेमे में अब भी महसूस की जा रही है। सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच विवाद के पीछे क्या सिर्फ दिल्ली की स्थानीय राजनीति है, या दोनों पार्टियों के बीच जो बयानबाजी हुई है इसकी वजह साल के आखिर में होने वाले 5 विधानसभा चुनाव हो सकते हैं? क्या 2024 से पहले 2023 में ही विपक्षी गठबंधन की अग्नि परीक्षा होने वाली है? इस साल के आखिर में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने हैं। इन 5 राज्यों में चुनाव है। इन 5 राज्यों में से 3 राज्य यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विपक्ष के लिए बेहद अहम है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस
मुख्य विपक्षी दल है, यानी यहाँ विपक्ष का चेहरा कांग्रेस है। तो विपक्षी गठबंधन की शुरुआती समझ के मुताबिक यहाँ पर कांग्रेस को फ्रंट फुट पर होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा है? इसी सवाल के जवाब में दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच लड़ाई का सूत्र तलाशा जा सकता है। इस सवाल पर आगे बढ़ने से पहले आम आदमी पार्टी के दिग्गज सौरभ भारद्वाज का चंद महीने पुराना बयान पहले सुन लेते हैं। वो कह दें कि पंजाब और दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम भी कह देंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम नहीं लड़ेंगे, आइए टेबल पे आके बातचीत तो कीजिए। ये बात पटना में संयुक्त विपक्ष की पहली बैठक से पहले की है, लेकिन तब से अब तक कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच बहुत कुछ घट चुका है। आम आदमी पार्टी के नेता विपक्षी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। दिल्ली सर्विस बिल पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के रुख का समर्थन किया। बैठक से पहले किसी तरह के बयानबाजी से सभी लोगों को बचने की जरूरत है। फ्लोर के बाद जो एजेंडा पेंडिंग है के अनुसार आगे काम करने की जरूरत है। लेकिन जमीन पर क्या चल रहा है ये देखना भी जरूरी है। 23 जून को पटना में विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक हुई और एक हफ्ते के बाद ही 1 जुलाई को केजरीवाल ग्वालियर पहुंच गए। 2 जुलाई को केजरीवाल ने बिलासपुर में रैली की, यानी पटना में विपक्षी एकता की बात करने वाले पहली फुर्सत में छत्तीसगढ़ पहुंच गए और कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस की रैली में एक भी आदमी नहीं आता, सब आम आदमी पार्टी से। आज चारों तरफ देश के अंदर चर्चा करो छत्तीसगढ़ की, तो केवल भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़। कांग्रेस को मौका मिला, कांग्रेस वालों ने लूट लिया। एक तरफ विपक्षी एकता की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल की पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। केजरीवाल इस साल 2 बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दौरा कर चुके हैं। तीनों चुनावी राज्यों में आम आदमी पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर रही है। गांव, विधानसभा, जिला और स्टेट लेवल पर आप संगठन को मजबूत किया जा रहा है। दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर इन राज्यों में आम आदमी पार्टी फ्री वाली पॉलिटिक्स के जरिए अपने लिए मौके की तलाश में है। आपको फ्री की रेवड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? टेबल पर केजरीवाल विपक्षी गठबंधन के साथ हैं, लेकिन जमीन पर केजरीवाल की पार्टी चुनावी तैयारी में जुटी है। 2018 के चुनाव में आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में 208 सीटों पर लड़ी थी, उसे 0.66% वोट मिला था। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी 85 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसे 0.87% वोट मिला था। राजस्थान में आम आदमी पार्टी 142 सीटों पर उतरी, यहां उसे 0.38% वोट मिला था। 2023 के चुनाव में आम आदमी पार्टी का फोकस राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव पर है। इन दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी लगातार खुद को जमीन पर मजबूत कर रही है। राजस्थान में केजरीवाल की पार्टी पंजाब और गुजरात के साथ लगती सीटों पर फोकस कर रही है। यहां आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार भी तय करने शुरू कर दिए हैं। वर्तमान में अभी तो हम अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान की जहां तक बात है हम 200 विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। यानी अलका लांबा ने दिल्ली को लेकर जो कहा वही बात विनय मिश्रा राजस्थान को लेकर कह रहे हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह कांग्रेस का खेल खराब किया था उसके बाद से कांग्रेस नेता अलर्ट है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आम आदमी पार्टी की चुनावी तैयारियों को देखकर कांग्रेस का एक तबका नाराज है और आने वाले दिनों में ये तल्खी और बढ़ने वाली है, क्योंकि एकता की कोशिश के बीच केजरीवाल फिर छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। 19 अगस्त को अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान रायपुर पहुंचेंगे। यहां केजरीवाल पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। अंदर खाने कांग्रेस के नेता इससे नाराज हैं, क्योंकि पहले भी जब केजरीवाल छत्तीसगढ़ पहुंचे थे उन्होंने कांग्रेस पर ही हमला बोला था। 7 साल कांग्रेस का शासन रहा, हालात लोगों के नहीं बदले, कांग्रेस ने भी लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यानी राजस्थान से छत्तीसगढ़ तक आम आदमी पार्टी जमीन पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी का ये रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला। और हमारे गृह मंत्री जी ने तो संसद में अपने बयान में कह ही दिया था कि जैसे ये बिल गिरेगा उसके बाद अरविंद केजरीवाल की जो असलियत है वो आपके सामने आ जाएगी और वो आपका साथ छोड़ देगा। विपक्ष अब पटना और बेंगलुरु के बाद मुंबई में होने वाली बैठक की तैयारी में जुटा है।
बैठक में एक सीट एक उम्मीदवार पर चर्चा की तैयारी है, लेकिन दिल्ली से लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तकरार हो रही है। तो सवाल ये कि ऐसी स्थिति में विपक्षी एकता मजबूत कैसे होगी? इन सवालों का जवाब मुंबई में होने वाली बैठक में मिलेगा। तो राजनीति के हर मिजाज को आप द इनसाइड स्टोरी में आने वाले दिनों में भी महसूस करते रहेंगे। आज फिलहाल इतना ही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।